दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। उपमंडल सरकाघाट की ग्राम पंचायत रखो की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें महिला रो रोकर इंसाफ की मांग कर रही है। वह कह रही है कि मेरा पति शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की ले आया है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। उसे नौकरानी बताकर वह समाज और कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। पीड़ित महिला वंदना देवी ने बताया कि मेरे कमरे पर भी ताला लगा दिया है। उसने बताया कि उनकी शादी 2013 में दीक्षित ठाकुर से हुई थी। मुझे कोरोना काल में घर से निकाल दिया और मेरे पीछे मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। इसका मामला भी दर्ज करवाया है। कहाँ है घर आपके? घर कहाँ है आपके बेटू? चंडीगढ़ है घर। यहाँ क्या कर रहे हो फिर? यहाँ क्या कर रहे हो बेटू? बड़े दूर है। मम्मा कहाँ है? हाँ है, यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो यहाँ की कब से आए हो यहाँ पे? कौन हो आप? यहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ कर के रहे हो आप? ये बताओ, इनसे पूछ लो पहले। मेरे से बात करने से पहले इनसे बात करो। नहीं आप बताओ ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? धक्के क्या लग रहे तुझसे देने? पूछना लग रही है। आप ये बताओ, चूड़ा पहन के आप यहाँ पर कर के रहे हो? फिर मेरे से बात करो। आपको नहीं पता ये मैरिड है? चप्पल नीचे कर। हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर मेरा नहीं है। मेरा घर है, मेरा घर नहीं है। मैं नहीं आई हूँ शादी करके यहाँ पर। आप आपका वो जाओ, चलो मेरा घर है। नाम बन्ना राठौर है। मैं सरकाघाट की रखो पंचायत के डोडर गांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी दीक्षित ठाकुर सन्ना प्रीतिपाल सिंह और ब्रिजवाला ठाकुर के साथ मई 2013 में हुई थी। अप्रैल 2013 में मेरी एंगेजमेंट दीक्षित ठाकुर के साथ हुई थी। उस टाइम मुझे बताया गया था कि हमारा बेटा पुणे में जॉब करता है, और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी दीक्षित ठाकुर के साथ। बट जैसे शादी के एक महीने तक तो सब सही रहा, लेकिन जैसे धीरे धीरे शादी के बाद मैंने पूछना शुरू किया कि जॉब कहाँ करते हो, कब जाना है, क्या है, तो फिर इन लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। और शादी के बाद पता चला कि कोई जॉब नहीं करता था, कहीं भी जॉब नहीं की हुई है इन्होंने। और जब मैं फिर जॉब के लिए कभी भी पूछती थी तो सारे मिलके फिर तंग करते थे। इवन इनके रिश्तेदार, इनकी मासी की बेटियां, कज़न रीना ठाकुर, किरणा ठाकुर, वो मुझे इतने दूर से तंग करती थी। इनकी सिस्टर दीक्षा बन्याल जो खरो गांव में जिनकी शादी हुई है, जीजा संदीप बन्याल, ये सब जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज है वुमेन्स सेल में, तो ये सब मुझे तंग करते थे और मुझे पूरी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। और मैं MSc BEd MPhil इन केमिस्ट्री हूँ, और इन लोगों ने धोखे से मेरे साथ शादी कर ली थी। लेकिन फिर भी मैं लोक लाज के लिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत को बचाए रखने के लिए सब सहती रही और कभी भी कहीं भी नहीं गई, किसी भी अथॉरिटी के पास नहीं गई। सिर्फ अपने मेरे रिश्तेदारों ने भी सिर्फ चुपचाप आकर इनको समझाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की बहुत बार कि सही से रहो, अगर अब शादी हो ही गई है तो कम से कम बेटी को सही से रखो। लेकिन ये लोग डोमिनेट ही करते गए और मुझे ही गलत ठहराने की कोशिश करते रहे। पता नहीं क्या क्या प्लानिंग्स करते थे। और फिर जब मैं दीक्षित ठाकुर को जॉब करने के लिए बोलती थी तो तब बिल्कुल मना करता था कि मैंने जॉब नहीं करनी है, मैंने बिजनेस करना है। तो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए फिर इन्होंने बोला कि तू अपने पेरेंट्स से पैसे ले आ। तो मैं अपने
मैंने अपने मदर को बताया तो उन्होंने यहाँ पे स्वयं सहायता समूह चोलथरा से लोन लेके मुझे पैसे दिए थे और वो मैंने इनको दिए थे। तो उसके लिए उन्होंने बिजनेस पहले अवा देवी में एक वर्कशॉप शुरू की गाड़ियों की, उसको वहाँ पे शुरू होने से पहले उसको बंद कर दिया। फिर इन्होंने सरका घाट में वहाँ से ट्रांसफर कर ली कि मैं यहाँ वर्कशॉप चलाऊंगा। फिर कुछ ही दिनों में वहां से भी वो ट्रांसफर कर दी इन्होंने और मंडी चले गए। और मंडी में फिर मैं इनके साथ गई, नेर चौक में रहती थी, वहां पे मैं स्कूल ज्वाइन किया था ऐसे ही। और ये कुछ टाइम के लिए वहां पे वर्कशॉप चलाते रहे और कुछ टाइम के बाद एकदम से फिर गायब हो गए, सब कुछ बेच के कहीं चले गए। मुझे नहीं पता इन लोग, ये लोग इनको हमेशा से शुरू से शादी के शुरू एकदम बाद से ही 1-1.5 साल तक कहीं गायब कर देते थे। और पूछती थी तो मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता था, तो पूछती थी पेरेंट्स को तो बोलते थे वो अपनी मासी की बेटी के पास है, बॉम्बे में रहता है। और ना उसने आज तक कभी जॉब की, ना 1 रुपया आज तक मुझे खर्चे का दिया है। और तंग करने के और मुझे गलत प्रूव करने की कोशिश करते रहे। अब जब मैं तंग आकर मैंने 2019 में वुमेन शेल मंडी में कंप्लेंट करी थी, लेकिन मैंने ये कंप्लेंट करी थी कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, ये लोग मुझे घर में नहीं जाने देते। जब भी मैं घर पे गई इनकी मदर मुझे वहां से निकाल देती थी। और खुद ये लोग घर पे नहीं रहते थे, उसके पेरेंट्स जॉब करते हैं, दोनों करते थे उस टाइम दोनों, तो कहीं और बाहर क्वार्टर लेके रहते थे। और मुझे इनका कोई पता नहीं चलता है कब घर पे आते हैं और कब नहीं। और मुझे जानबूझकर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़की घर पे नहीं रहती, जबकि मैं वुमेन शेल में भी वहां पे भी पुलिस के सामने जब वहां पे काउंसलिंग हुई थी तो मैंने वहां पे भी यही बोला था कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो इन लोगों ने वहां पे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम इस लड़की को लेके ही नहीं जाएंगे घर में, हमने इसको रखना ही नहीं है। पुलिस वालों ने इनको उस टाइम भी समझाया था वहां पे, इवन ये अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान को भी लेके गए थे, प्रधान जी ने भी इनको समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये किसी की नहीं सुनते, बस एक ही बात रट लगा के रखते थे, कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ। लेकिन मेरी तो लाइफ इन लोगों ने स्पॉइल कर दी है ना, मेरा सभी कंसर्न अथॉरिटी से बस यही रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज जस्टिस कीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे राइट्स दीजिए। और अभी जब मैं कल घर गई तो मैंने देखा वहां पे कोई और लड़की को इन्होंने रखा हुआ है, मैंने उसका वीडियो भी बनाया, तो ये बोल रहे हैं कि वो लड़की हमने मेड लाके रखी हुई है कहीं से, और वो कि हमने खाना बनाने के लिए इसको रखा हुआ है, उसने चूड़ा पहना था सब कुछ, तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि वो पहन सकती है चूड़ा भी। और घर पे वो उसकी एक बेटी भी है, 2-2.5 साल की बेटी भी उसके साथ थी वहां पे, और मेरे हस्बैंड भी वहीं पे थे। जब मैं उनके अपने राइट्स के लिए उनसे पूछती हूँ कि मुझे मेरे रूम में जाने दो जहां मेरा सामान रखा है दहेज का, तो उसको लॉक लगा दिया, जबकि बोलते हैं कि हमने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है, जबकि बेटा वहीं पे सोया हुआ था और मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है बेटा वहीं रहता है, सिर्फ मेरे साथ ही ये लोग ऐसा सलूक कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सरका घाट से पवन प्रेमी की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस, एंड टू गेट यूजीसी अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 years ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बी फार्मेसी, बीटेक, डिप्लोमा फार्मेसी इन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, बीएससी एमएलटी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएएमएस, बीपीटी, एमएससी इन एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी, एमए इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, एमटेक, एम फार्मेसी, पीएचडी। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स